अल्लाह। अनफॉर्चुनेटली वो गुजर गया, इसका जो पार्टनर था। फर्स्ट टाइम है इसका करण से हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो मुझे मालूम नहीं लगे। Hey guys, once again welcome back to this channel. तो आज का दिन काफ़ी बोरिंग सा जा रहा है यार। मैं अभी इस वक्त जेसीबी को रुक रहा था, जेसीबी की खुदाई मैं करवाऊंगा आज। तो अब मैं क्यों जेसीबी की खुदा करवाऊंगा वो आप सभी को बता देना चाहूँगा कि आप सब देख सकते हैं, ये पीछे देख रहे हैं ना आप सब, काफ़ी जंगल जंगल दिखाई दे रहा हुआ। इसको मैं जेसीबी से लेवलिंग करा दूंगा, पूरा लेवल कर दूंगा। तो कुछ ही देरी में जेसीबी आएगा, इसको लेवलिंग करा देगा, इसको पूरा हटा देगा ताकि आने वाला कल इजी रह सके, इजी हो मेरे लिए। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा जंगल है, मैंने बहुत बार काटा है लेकिन फिर भी काट के क्या है कि वही बार बार आ जाता है। इतना बड़ा बड़ा जंगल, यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा है, जितना भी माटी यहाँ से निकलेगा उसको ये थोड़ा सा गड्ढा पे इसको फिलअप कर देंगे ताकि ऐसे लेबलिंग होने के लिए। तो वो रहा वहाँ पे, जस जो पोस्ट दिखाई दे रहे ना वहीं पे रोत है। तो कुछ ही देरी के बाद जैसे भी आएगा, तब तक के लिए आप सभी को मैं अपने पाइनएप्पल गार्डन दिखाता हूँ, तो बने रहे हमारे साथ। आप सभी को मैं एक्सप्लोर कराऊँगा मेरा जो पाइनएप्पल बागान है। तो नेक्स्ट ईयर निकल जाएगा पाइनएप्पल, तो आप सभी से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि प्लीज़ नेक्स्ट ईयर पे मैं पाइनएप्पल सेल करूँगा, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर हमसे लेना, बहुत ही कम अमाउंट में मैं आप सभी को मैं दूंगा। और मेरा जो पाइनएप्पल बागान का जस्ट किनार पे एक देख सकते हैं आप सब, यहाँ पे छोटा सा मेरा पीगी है, इसका नाम है गैन 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 है, इसका पार्टनर था, मतलब पार्टनर था। तो कुछ बीमार होने के कारण से अनफॉर्चुनेटली वो गुजर गया, इसका जो पार्टनर था, पर अभी ये सिंगल अकेला बैठा हुआ है, क्या करेगा, जिंदगी जिंदगी है जनाब, अकेला ही चलना पड़ता है, जो भी चीज़ एक्सपेक्ट लेस एक्सेप्ट मोर, ये ज़िंदगी है। तो बागान का अंदर इंतर होते हैं। चलो हबीबी वेलकम टू माय पाइनएप्पल गार्डन, आप सब देख सकते हैं ये मेरा छोटा सा एक पाइनएप्पल गार्डन है, आप सभी को मैं दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं ये मेरा छोटा सा पाइनएप्पल गार्डन है, ये सब नेक्स्ट ईयर में पूरा अच्छा से निकल जाएगा। जब निकलने के बाद मैं सेल करूंगा, तो प्लीज़ आप लोग से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज़ हमसे पाइनएप्पल खरीदिएगा। और यहाँ पे टोटल 400 अप्रोक्सीमेट 400 हो सकता है, तो नेक्स्ट ईयर जब निकलेगा तो 400 प्लस 400 इक्वल टू 800 हो जाएगा। तो वो उसका जो हेड है ना, तो उसको फिर मैं दोबारा लगाऊँगा तो 800 हो जाएगा। तो अभी तक का 400 कुछ है, अप्रोक्सीमेट 400 कुछ गाची है ये पाइनएप्पल का। और देखते हैं यहाँ में कुछ एक दो थ्रू निकला भी हो सकता है, एक तो निकलना चाहिए यार, इतना कुछ कुछ तो भरा हुआ था। अरे वो आई गॉट इट वाह। तो गाइस बहुत गर्व से मैं आप सभी के सामने कह पा रहा हूँ कि मेरा बागान का, मेरा पाइनएप्पल बागान का फर्स्ट पहला पाइनएप्पल निकला हुआ है, केवल सिर्फ एक ही निकला हुआ अभी तक का, अभी एक निकला है, यानी कि नेक्स्ट ईयर सब निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये मेरा पहला पाइनएप्पल है, तो सब जगह मैंने ढूंढा पर नहीं मिला, बस केवल एक मिला मुझे पाइनएप्पल। तो इसको क्या बोलेगा, इसको सेल करेगा ना क्या करेगा, ऐसे बोलते हैं ना, कहावत है ना अरुणाचल थ्योरी पे, ऐसा है जो भी चीज़ हम ओपनिंग में किस हिसाब से चलने से लास्ट तक वैसे ही रहता है, बोल के बोलता है। जैसे कि हम अभी हम खा देगा अभी, तो नेक्स्ट में जब निकलेगा तो वो भी ऐसे खा के निकल जाएगा, ऐसे भी लग रहा है। लेकिन भी एक थू है, तो इसको मैं ओपनिंग करता हूँ, मेहनत का फल है ये, जो काफ़ी मशक्क़त के बाद ये एक थू निकला हुआ है। तो इसको मैं काट के थोड़ा टेस्ट देखते हैं कैसे होता है ये। तो लेट्स गो, इसको पहले काट करते हैं एंड देन लेट्स ईट टुगेदर यार, वाओ। तो गाइस अभी काटते हैं इसको, फाइनली मैंने मेरा पहला पाइनएप्पल जो निकला वाला उसको मैंने पूरा छिल चुका है। एंड देन इसका जो नहीं होता है काला काला दिखाई दे रहा है, इसको छिलने के लिए मैंने लास्ट मेला पे मैंने ये प्रोडक्ट लिया, इसका नाम है फटाफट, जो सेल करने वाला आदमी ने बोला कि इसका नाम है फटाफट, तो फटाफट ये मैं प्रोडक्ट से ये क्या बोलते हैं पाइन मेरा जो पहला पाइनएप्पल को निकला वाला को इससे छिलूँगा, ये काम करता है कि नहीं करता है वो देखते हैं आगे। ये है फटाफट मशीन,
तो गाइस ये फटाफट मशीन से ये फटाफट ये प्रोडक्ट से मैंने काटने के लिए कोशिश किया था पर नहीं हुआ है यार। जो अंकल जो एक्सपेक्टेशन जो दिखा रहा था वो रियलिटी पे नहीं काट पा रहा है, तो ये इससे पाइनएप्पल नहीं काट पाएगा। तो ये बस आलू ऐसे लाइट जो वेजिटेबल्स है उन सब में काम आएगा वो शायद से, फिर भी देखते हैं बाद में। प्याज वो सब पे काटता है कि नहीं काटता है वो बाद में देखते हैं। ये फटाफट मशीन नहीं होगा, फटाफट नहीं होगा, इससे फटाफट होगा तो बस इससे होगा। तो मैंने पूरा पाइनएप्पल पीस पीस करके काट चुका है, ऐसा देख सकते हैं। ये है मेरा पहला पाइनएप्पल जो कि अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ। अच्छा से तो नहीं पका हुआ था, फिर भी मैंने पहला निकला हुआ था तो इसलिए निकलना तो बनता है, खाना तो बनता है। मालिक नहीं खाए तो कौन खाएगा, है कि नहीं। टेस्ट करते हैं, चलो। आप सबका मुँह में तो पानी तो नहीं आ रहा है ना? पानी आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं नेक्स्ट ईयर जिसका अभी मुँह में पानी आ रहा है आपके घर में ये पाइनएप्पल पहुँचाने में ज़रूर आऊँगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बहुत मीठा होगा बोल के, लेकिन बहुत ही मीठा है क्योंकि इतना अच्छे से नहीं पका हुआ था, फिर भी बहुत ही मीठा है। ये जब पक जाने के बाद और कितना मीठा होगा और कितना तेज़ होगा वो नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा, लेकिन बहुत ही तेज़ है यार, कसम से यार। फर्स्ट टाइम है इसका कारण से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन काफ़ी तेज़ है यार, बहुत ही तेज़ है। खाएगा आप सब? काफ़ी देर हो गया, 3:26 हो चुका है अभी इस वक्त, 3:26 PM। अभी तक भी जैसे भी नहीं आ रहा है, तो जल्दी आने से ठीक था क्योंकि रात में रात का काम कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं होता है कि नहीं। अच्छा काम बोला जाए तो सिर्फ दिन में होता है और रात का काम तो खराब ही गंदा ही होता है यार। तो और 10-15 मिनट और रुकते हैं, आता है कि नहीं आता है? आना तो चाहिए यार। One hour later. तो गाइस जैसे भी इज कमिंग, वारुका दो। तो काफ़ी देरी के बाद जैसे भी आ गया है, तो अभी जैसे भी भैया को बता दूंगा कि अभी क्या काम करना है क्या नहीं करना है, तो पूरा डिटेल उसको समझा देता हूँ। पहले सबसे पहले आ गया भैया, क्या दबंग में काम कर गया? क्या ये जंगल नहीं क्या भैया? वो जंगल को ना वो रोड साइड से भी मतलब छोटा छोटा ऐसा लकड़ी है मतलब ना वो जो गाची वाला उन सबको तोड़ के थोड़ा सा ये बीच में थोड़ा सा गद्दा है मतलब ना जितना भी यहाँ से माटी जो निकलेगा ना गद्दा में डालेगा नहीं पाइप वो मतलब वो पाइप को उखाड़ देगा। हाँ उखाड़ देगा पाइप नया यहाँ से ताना है ना अभी मेन पाइप वो हटा दिया अभी वो काम नहीं है अभी उसको निकाल देगा उसको भी पहले उखाड़ देगा उसके यहाँ में जितना भी जंगल है ना भैया ये सबको उखाड़ के जितना भी हो सके मतलब पूरा वो गड्ढा में फिलअप कर देगा। गाची तो होने देगा नहीं अभी तक तो ये रहने दो ये मेन तो वो रोड साइड से शुरू करेगा क्या रोड में लकड़ी छोटा छोटा लकड़ी है ना तो वहाँ से एक घंटा का बोला है भैया को। तो टाइम हो गया 3:54। तो यहाँ में कुछ पाइप है ये पाइप को भी हटा दूंगा क्योंकि ये पाइप अभी काम नहीं है क्योंकि अलग पाइप मैंने तानने दे दिया। और ये मेरा अम्मी जान आ गया जा सियोनियो अजाना ठीक है ये हाथ ऐसी कुछ जा ये पुराना पाइप है अभी इसका कुछ काम नहीं है इसलिए ये पाइप को हटा देगा भाई हम तान लेगा उसके बाद भाई इसको भी गिरा दो इसको भी अभी जितना भी जंगल दिखाई दे रहा है आप सभी को यह जंगल पूरा अभी चकनाचूर हो जाएगा कुछ ही मिनटों के बाद आप सभी देखिए उसके बाद कैसा दिखता है देखा जाएगा बाद में। ये पूरा है भैया अबे देखा अबे चलो बंद करेगा ना
हो गया क्या? जैसे देख सकते हैं अभी इस वक्त पूरा जंगल को खत्म करते हैं हम लोग भैया हम दोनों। अरे भाई ये सब के हर जगह हो ना, ये सब निकालेगा ना, ठीक है उसके बाद इजी रह जाएगा होगा। वो रोड सब बहुत बड़ा हो गया है ना, बाप का समय से लगाया वाला है तो बाप को तो हम नहीं देखा है ना, तो छोटा से ही गुजर गया था वो तो। हाँ खूब या इसको तो काट देगा क्या बोल रहे माँ तो? अबे वो काट ही गया, वो काट ही गया ना। माँ जो टाइम लॉस हो रहा हो सोचा होगा। वाह इतना बड़ा है, वाह निकलने वाला है, निकलने वाला है, बढ़िया बढ़िया, we got it, बढ़िया, वाह इतना बड़ा है ना, तो आसुरी रहते वो फाइनली निकल गया, यही में 10 मिनट जैसा लग ही गया। गाइस आप सभी देख सकते हैं पीछे मैं, ये मैं हूँ और मेरा पीछे जेसीबी है और यहाँ पे खुदाई हो रहा है। ये जो बीच बीच में जो पहले में जो लेट पापा का समय में क्या है कि वो जो लकड़ी लगाया होता तो बहुत बड़ा हो गया, अभी निकलने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है क्योंकि उसका जड़ी इतना बड़ा बड़ा है कि क्या बोलेगा जेसीबी यहाँ में किस अखबार आ सकते। वो है ड्राइवर कब है हा? शर्म कर रहे थे। ये लकड़ी जो ये लकड़ी को उखाड़ रहा वाला को देख के तो मुझे लगता है मैंने तो 1 आवर के लिए ये जैसे भी रेन में मंगाया था, पर ये सब देख के तो मुझे लगता है कि 1 आवर में तो पूरा कंप्लीट होगा जैसे तो नहीं लग रहा है, फिर भी एनीवे देखते हैं 1 आवर नहीं होने से कुछ एक्सटेंड कर लेते हैं, आधा घंटा कुछ 30 मिनट्स कुछ एक्स्ट्रा ले लेगा। प्ली होते होते सकते आप सब वो निकले नाम बोतो तकलीफ से आधा घंटा एक्स्ट्रा छीना चाहूँ जो भाई वो मैं इजी लेवल लेवल दिया इजी से आ गए तकलीफ है बोला भाई चेंज होने सही आना ना जाली आना ना, क्योंकि माँ का कहना है कि यहाँ पे जो छोटा छोटा लकड़ी जो हम लोग पहले में जो काटा था वो वाला बहुत ज़रा है बोल के बोला है, तो टाइम तो ऐसे बेकार में लॉस हो जाए ऐसे बोला था, जो जेसीबी से काटने से ये चेंसों से काटने से भी हो जाएगा बोल के बोला है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे जब पहले जाली वो सब लगाया था तो जाली का वो सब है तो चेंसों से नहीं हो पाएगा ना, इसलिए अभी जेसीबी से करना पड़ेगा पाई नहीं, आधा घंटा एक्स्ट्रा होता तो उन्हें लोग क्या करेगा पाई नहीं ना। बड़ा निकला यार इसको तो, इसका जड़ है बोल के तो कैसे बोले है? इतना बड़ा गज है, इतना बड़ा बड़ा गज जड़ हो गया निकल गया हुआ। ये क्या है नमा जड़ है ये वे जड़ है नमा ये क्या है वो ये वे बोल रहे हैं है तो सांप का अंधा तो नहीं ना तबो वाको अंधा अब बोल ले अब हम तो सोचा कि सांप का अंडा है क्या सोचे थोत माँ भी डर गया उधर थोत बचपन का बोल अभी मिला यार। और यहाँ पे माँ और हम पूरा जेसीबी की खुदाई को देख रहा यार वो खलेशा ना बोल माटी हो जाए खलेशा बोले हम काफी प्लान हो चुका है आप सब देख सकते हैं यू कैन डू इट लेवलिंग कर रहा बंजा। फिर क्या है कि हम अभी अपना जो आंगन को ऐसे लेवलिंग करके क्लीन कर दिया तो क्या है कि क्योंकि अपना आदमी दोगले होता है तो मेरा कुछ ऐसे दोगले जो रिश्तेदार है उन लोग मुझे जज करेगा होगा कि ये कुछ बना रहा होगा क्या करेगा होगा किस लिए ऐसा कर रहा होगा, ये सब नेगेटिविटी
मैसेज स्प्रेड करेगा होगा, अमांशु तो क्या बना रहा है, अमांशु तो क्या कर रहा है, नहीं होता क्या, ये करेगा होगा, वो करेगा होगा बोल के उपाय नहीं, बोलने वाला बोलते रहेगा, बस अपने काम पे चलना है, अपने हिसाब से बैठना है बस, एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड। तो चापरी कौन तो केटीएम मने चापरी कौन बाइक मालिक कौन भंजा कैसे है आईफोन? तो भंजा कैसे लग रहा है जेसीबी के खुदाई देख के? हेलो 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 कहाँ से बोल रहा है? नंबर ये मेरा चपरी भंजा, आईफोन भी है, केटीएम भी है, सब चपरी प्रोडक्ट सब इसके पास है। ये तो 100% चपरी लगता है, जूता में ठीक सिंह यार। अभी ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाला हो चुका यार, तो 1 आवर 1 घंटा और लेना ही पड़ेगा लगता है यार, 1 घंटा में तो नहीं हो पाएगा पूरा। जेसीबी को देख के तो टाइम कैसे जा रहा है, टाइम कैसे निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा यार, समय ऐसे बीत रहा है, एक ही बार में टाइम जा रहा है यार। हम लोग ऐसे नॉर्मल दिन में ऐसे बीतने से टाइम कब जाएगा सोचता है, पर जेसीबी को देखने से ना क्या होता है कि टाइम कैसे चला जाता पता ही नहीं चलता यार, 1 घंटा कैसे होने ना पता ही नहीं चल रहा अभी। अभी वो वाला साइड बाकी है, वो वाला जंगल उसको फिलअप करने के लिए बाकी है। ये वाला निकालने में बहुत तकलीफ झमेला यार, हमारा मिशमी प्रिस भागते हुए हनो की गए अमूल ले लीजिए रे ए वे के गड्ढा सा कौन आ अबंगला सपाशी ना देगी भैया। अभी ना 1 घंटा एग्जैक्ट हो गया, हाँ अभी देखते हैं, अभी यहाँ में ये सब करके इसको फिलअप कर देगा, कितना टाइम होता है देख लेगा, हम बात कर लेगा फिर ना, अभी सबसे पहले इसको कर लेगा, उसके बाद जितना टाइम होता है देख लेगा, 1 घंटा पूरा होता है तो 2 घंटा पूरा ले लेगा ना, ठीक है। कलो किंग में आया ओ जेसीबी भी लाइट ऑन करके चलना शुरू हो गया, शाम हो चुका अभी देख सकते हैं, सिर्फ ये साइड को करने दे रहे क्योंकि ये पूजा पाठ है, तो पूजा पाठ का जो भी सामान है ना, जो भी हम लोग बेम्बू यूज़ किया है उसको हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो इसलिए ये तो ऐसे ही रहेगा, खुद ब खुद सड़ जाएगा तो सड़ जाएगा, क्योंकि अपना रिचुअल्स को भी तो मानना पड़ेगा है कि नहीं, अपना नियम कानून भी मानना पड़ेगा ना, इसको तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम लोग, और बाकी जितना भी अगल बगल सब खोसे खत्म करना जाए किया जाएगा। यह हमारा रिंगिया जो मरलू अमिक माता का है, रात को अच्छे से नहीं होगा, दिखाई नहीं देता, तो और 1 घंटा बाकी था। ड्राइवर का कहने का मतलब ये है कि रात हो गया तो रात में फिर अच्छे से लेबलिंग नहीं हुआ वो बोल के बोला है, तो परसों जब वापस आएगा तब सुबह में कर देगा बोल के बोला है वो उसने, तो वो भी ठीक ही है क्योंकि तो देख सकते गाइस अभी जितने भी जंगल थे बराबर पूरा जंगल को जेसीबी से हटा दिया गया, और अभी प्रॉपर लेबलिंग करने के लिए बाकी है, तो अभी ऐसे मौसम में तो फिर लेबलिंग करने के लिए अच्छे से नहीं होगा, तो जब प्रॉपर धूप देने से तब मैं कराऊंगा इसको फिर दोबारा लेबलिंग पूरा अच्छे से पूरा मिला दूंगा। और आफ्टर एंड बिफोर आपको कैसे था कैसे नहीं है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, एंड एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगला ब्लॉग पे, बाय बाय।